वेलकम बैक एलएस टीवी इंडिया के एक नई वीडियो में मौसम को लेकर अभी भी एक फिर ताजा खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अब फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में अगले 3 दिनों तक लगातार बारिश के साथ बर्फबारी होने की आशंका। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में अब फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज और किन किन जिलों में अगले 3 दिनों तक लगातार होगी भारी बारिश और किन किन जिलों में होगी बर्फबारी। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को एंड तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौसम फिर से पटरी पर लौट रहा है। बीते 1-2 दिनों से मौसम बिल्कुल साफ हो गया है, जिसकी वजह से बुजुर्ग और बच्चों ने राहत की सांस ली है। लेकिन अब फिर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम खराब रहने के आसार है। अगले 48 घंटे लगातार पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है। इस अवधि में मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है, लेकिन कई जिलों में बारिश और हल्की बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम खराब रहने के आसार हैं। बारिश की वजह से अभी सुबह और शाम को लोगों को ठंड का एहसास होगा, लेकिन अगले 3-4 दिनों के बाद तापमान में फिर बढ़ोतरी होने हो जाएगी। लोगों को गर्मी का एहसास होने लगेगा। इसके अलावा अगले 3 दिनों तक लगातार यूपी की मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान या 10 से 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और वाराणसी समेत बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस और वहीं अधिकतम तापमान या 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। वहीं बांदा, सुल्तानपुर, फैजाबाद, फुर्सतगंज, गाजीपुर, फतेहगढ़, बस्ती, झांसी, उरई, हमीरपुर में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, बरेली, शाजापुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर समेत इटावा में न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान या 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। इस बीच मौसम को लेकर यह भी खबर आ रही है कि यूपी के लोगों को ठंड से फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन मौसम में उतार चढ़ाव का दौर अभी जारी है। जहां एक ओर मार्च महीने की शुरुआत बारिश के साथ हुई, तो वहीं आज भी मौसम खराब रहने की संभावना है। पल पल बदलते मौसम को समझ पाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने लखनऊ केंद्र के मौसम से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि आने वाले दिनों में अब फिर हल्की मध्यम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने ये जानकारी साझा की है, इससे अब आपको आसार नजर आ रहे हैं। वीडियो के आखिर में आपको बताते चले कि पूरे उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अब फिर कल से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी में कमी आएगी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में भी लगातार अगले 2-3 दिनों तक ऐसे ही खराब मौसम देखने को मिलेगा। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिम विक्षोभ अभी भी बना हुआ है। प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण हालांकि थोड़ा फैला हुआ है, जो पूर्वोत्तर राजस्थान और हरियाणा पर चिन्हित है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मौसम की ताजातरीन ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।